बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास स्थित जेमिनी अपार्टमेंट शहर का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा अपार्टमेंट है। यहाँ पर 301 फ्लैट हैं, जिसमें लगभग 300 परिवार में डॉक्टर, पुलिसकर्मी, बिजनेसमैन, सरकारी कर्मचारी सहित अन्य लोग रोज अपने जरूरी कार्यों से अपार्टमेंट से बाहर आते जाते रहते हैं। अपार्टमेंट में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने का खतरा देखते हुए लोगों ने सुरक्षा दृष्टि से जिला प्रशासन व अन्य विभागों से अपार्टमेंट में लगातार सैनिटाइज कराने की बात कही थी। इस संबंध में जानकारी दी गई थी प्रशासन को, जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए अग्निशमन विभाग को निर्देशित करते हुए जेमिनी अपार्टमेंट में सैनिटाइजर कर छिड़काव कराने का निर्देश दिया। अब यहां के लोग काफी सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम सरकार के बताए हुए नियमों का तो पालन कर ही रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा के लिए आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। ये वायरस जो है कोरोना वायरस COVID-19 को देखते हुए पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है, जिसमें भारत में भी और अपना देश भी पूरी तरह प्रभावित है। इसमें केंद्र सरकार और यूपी सरकार के निर्देश में फायर सर्विस पूरे भारतवर्ष में, खासतौर उत्तर प्रदेश में फायर सर्विस जो है ये पूरे अपने अपने शहरों में फायर सर्विस सैनिटाइज काम किया जा रहा है, और लगातार ये 21 तारीख से लगातार और आगे भी चलता रहेगा। ये सैनिटाइजिंग का कार्य फायर सर्विस द्वारा किया जा रहा है। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इस पे कैसे आप लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, क्या तरीका है? नहीं, ये बहुत ऊंचे पे तो कोरोना का नहीं है, ऊपर ही नीचे है, बाकी हमारी गाड़ियां ऊपर तक भी छिड़काव कर सकती हैं, लेकिन कोरोना का ऊपर ज़्यादा नहीं है ये, इसका 7-8 फीट तक छिड़काव जरूरी है। और जिसको देखते हुए इस समय जनपद में 4 गाड़ियाँ छिड़काव कर रही हैं, और पूरे शहर में विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें अपार्टमेंट है, फल मंडी है, सब्जी मंडी है, मंडी परिषद है, सभा तमाम जितने सरकारी कार्यालय हैं, चौराहे हैं, जहां पे इस तरह से सब जगह लगातार रेगुलर ये कार्य चल रहा है सैनिटाइजिंग का। दिन भर में